भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भले ही इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उनका करिश्मा किसी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी से कम नहीं है। देखिए, पवन सिंह पहुंचे हैं भाजपा नेता के रैली में बलिया में, लेकिन ये क्या, भाजपा नेता को सुन ही नहीं रहा है। सभी तो सिर्फ पवन सिंह को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ उन्हें सुना दे। यहाँ पवन सिंह है कि गुजारिश कर रहे हैं कि भाई नेताजी को सुनिए, नेताजी को सुनिए। और ये क्या, पब्लिक है कि पवन सिंह से डिमांड पे डिमांड किए जा रही है, कोई तो अपना हिट सॉन्ग सुना दीजिए। अब भाई पवन सिंह ठहरे, पवन सिंह तो अपने फैंस की हर बात मानने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए जाते जाते ही सही पवन सिंह ने गाना गुनगुनाया। जितना भी अमान भैया जाता आप लोग सबके पैर छू के प्रणाम कर अदानी, और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कि हमारे गार्जियन और भैया लोग बैठे हुए हैं मंच पे, बता रही है जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, और हम तो भैया हैं आपके लिए। और नेताजी के लिए जमकर रैली में वोट करने को भी कहा। अब अगर पवन सिंह निरहुआ का साथ देने अगर आजमगढ़ पहुंच जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव की क्या स्थिति होगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।